क्या आप जानते हैं कि आपके नाम पर कितनी सिम्स हैं? या आप ये जानना चाहते हैं कि आपके नाम पर जो सिम्स हैं उनकी तादाद कितनी है, वो कौन सी कंपनी के हैं, जैस के हैं, टेलीनार के हैं, यूफोन के या दूसरी कंपनियों के, और इनके नंबर्स क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गनी खान और आप देख रहे हैं गनी खान टीवी। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके नाम पर टोटल कितनी सिमें हैं, आप कैसे पता चला सकते हैं और कौन कौन सी कंपनी पे हैं और कौन से नंबर्स हैं। ठीक है, चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल के मैसेजेस में जाना है और राइट मैसेजेस में जाकर आप जहां पे मैसेज लिखते हैं वहां पर आपने सबसे पहले जो है अपना आईडी कार्ड जो नंबर है आपका CNIC नंबर जो है वो आपने लिखना है। ठीक है, ये आपको मैं अगर दिखा सकूं, ये देखें, नो स्पेस का मतलब है कि जी आपने उसके अंदर कोई स्पेस नहीं देना। मिसाल के तौर पर आपके सामने जो ये मैंने आप आईडी कार्ड नंबर लिखा है, ये वैसे रेंडमली मैं एक लिख रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो डैश है ये डैश आपने नहीं डालना और स्पेस भी यहाँ पे नहीं देना। सिर्फ आपने अपना जो आईडी कार्ड नंबर है वो यहाँ पर कंप्लीट लिख लेना है और इसके बाद जो जहाँ से हम ऊपर नंबर लिखते हैं वहाँ पर आपने 668 ये जो कोड है ये आपने लगाना है और उसके ऊपर आपने जो मैसेज है वो सेंड कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप मैसेज सेंड करेंगे 668 पर तो फौरन ही एक या दो मिनट के बाद फौरन आपको जो है वो रिप्लाई आ जाएगा कंपनी की तरफ से और उसमें आपके पास जितनी भी सिमें हैं आपके पास नीचे तादाद लिखी होगी, टेलीनार की एक है, जोंग की दो है और वारिस की कोई भी नहीं है, जो नहीं होंगी उसके आगे सिफर लिखा होगा, जिसके और जो कंपनी के सिम्स होंगी उनकी तादाद लिखी होगी कि इतनी तादाद है। ये तो है जी टोटल सिम्स आप कैसे पता चला सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जी मेरे नाम पर जैस की कितने सिमें हैं, ठीक है, तो ये हम कैसे पता चलाएंगे, आपने इसी तरह से मैसेज के अंदर अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है विदाउट स्पेस के और इस दफा आपने कोड मिलाना है 6001। जब आप ये कोड मिलाएंगे और इस पे आप नंबर सेंड करेंगे तो आपको रिप्लाई आ जाएगा कि आपके नाम पर जैस की इतनी सिमें हैं, इतनी तादाद है और ये वाले नंबर है, पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। इसी तरह टेलीनार की है तो टेलीनार के लिए आपने 7751 जो कोड है ये आपने डायल कर देना है, अपना जो आईडी कार्ड नंबर है इस पे सेंड कर देना है तो आपके सामने जो है तमाम टेलीनार की डिटेल जो है वो आ जाएगी, कितनी सिमें हैं और उनके नंबर्स भी आपके सामने आ जाएंगे। इसी तरह वारिद है तो वारिद के लिए आपने कोड जो डायल करना है वो है 789। 789 पे आप अपना आईडी कार्ड नंबर सेंड करेंगे तो आपके सामने वारिद की तमाम डिटेल्स आ जाएंगी। इसी तरह यूफोन के लिए आप क्या कोड यूज करेंगे, 6001। ये आप जब इस पे अपना आईडी कार्ड नंबर सेंड करेंगे तो यूफोन की जितनी भी सिमें आपके नाम पे हैं उनकी तादाद और उनके नंबर्स वगैरह तमाम आपके सामने शो हो जाएंगे। इसी तरह लास्ट में हमारे पास है जोंग का, तो जोंग के लिए आप जो है 7911 ये आप अपना आईडी कार्ड नंबर जो है इसके ऊपर सेंड करेंगे तो जोंग की तमाम आपकी सिमें उनकी तादाद और तमाम मालूमात आपके सामने आ जाएंगी। उम्मीद करता हूं आप दोस्तों को वीडियो समझ आ गई होगी। किसी किस्म का सवाल हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं लाजमी आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल गनी खान टीवी को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। मैं जल्द मिलता हूँ आप दोस्तों से एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।